सब्सक्राइब करें टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कार्ड क्लोनिंग क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सके। दोस्तों इन दिनों जो है कार्ड क्लोनिंग और कार्ड स्कीमिंग के मामले जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, इसीलिए RBI ने जो है सभी बैंकों को निर्देश देकर बोला था कि मैग्नेटिक चिप वाले जो ATM कार्ड आते थे उनको बदलकर आप जो है EMV चिप वाले ATM कार्ड को जारी किया। दोस्तों आप सबने कई लोगों को EMV चिप वाला कार्ड जो मिल भी चुका होगा और कई अगर आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है तो आप लोग अपने बैंक में जाकर तुरंत ही उसको बदलवा लीजिए और तुरंत ही आप लोग EMV चिप वाला जो है ATM कार्ड इशू करवा लीजिए। तो दोस्तों आइए आप लोग बताते हैं कि कार्ड क्लोनिंग क्या है और इसके जरिए कैसे जो है कार्ड स्कीमर आपके पैसे ATM कार्ड के जरिए जो है चुरा लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्ड से कार्ड क्लोनिंग संभव न हो सके इसके लिए सभी बैंकों ने काम करना शुरू कर दिया है। मौजूदा ATM के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि क्लोनिंग का अंदेशा होते ही जो है ATM को बिल्कुल जो है वो बंद हो जाए और कार्ड क्लोनिंग के जरिए जो ATM से पैसे लोग निकाल लेते हैं उसका जो है तोड़ कोई ना कोई तोड़ निकाला जा सके। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB ने ऐसी तकनीकी सबसे पहला ऐसा बैंक है जो ऐसी तकनीकी अपनाने जा रहा है जिससे बैंक के ATM से कार्ड क्लोनिंग जो है वो संभव बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ही ATM मशीन को अंदेशा हुआ किस मशीन में जो है कार्ड क्लोनिंग हो रही है वैसे ही ATM जो है अपने खुद ब खुद तुरंत ही अपने आप बंद हो जाएगा और वो कार्ड जो है स्वीकार नहीं करेगा और ना ही उसमें ATM मशीन से कोई भी पैसे निकलेंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है और सभी बैंकों को ऐसा PNB सबसे पहला बैंक जो ऐसा कर रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है सारे बैंक जो है ये जो है कार्ड क्लोनिंग से बचने के लिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अपने ATM मशीन में बदलाव कर दें। तो इसके साथ ही सभी ATM मशीन में जो है नए कार्ड रीडर लगाए जाएंगे जो चिप वाले ATM कार्ड ही स्वीकार करेंगे। पुराने जो मैग्नेटिक वाले ATM कार्ड आते थे उनको स्वीकार अब बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है EMV चिप वाला जो है कार्ड जो है ATM कार्ड आप लोग तुरंत ही अपने बैंक से जाकर इशू करवा लीजिए। इसके साथ ही PNB ने अपने सभी ATM में जो है एंटी क्लोनिंग डिवाइस लगानी भी शुरू कर दी है। इसके जरिए जैसे ही कोई शख्स ATM में क्लोनिंग करने के लिए कैमरा या फिर सेंसर डिवाइस लगाने के लिए कोई छेड़छाड़ करेगा तो तुरंत ही जो है ATM मशीन जो है अपने आप ही बंद हो जाएगी। मशीन से छेड़छाड़ या फिर धोखाधड़ी का जैसे ही मामला उसको लगेगा ATM मशीन को सेंसर में जैसे उसको पता चलेगा वैसे ही जो है अलार्म बजने लगेगा और ये जो अलार्म बजेगा वो सीधे बैंक के मुख्य कार्यालय में यानी कि मुख्यालय में हेडक्वार्टर में वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो आइए दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि कैसे चोर जो है कार्ड क्लोनिंग के जरिए आप लोग के ATM से पैसे चुरा लेते हैं। तो जो मैं आप लोग को बता दूँ कि साइबर ठग जो मौजूदा ATM में ATM कार्ड का डाटा चोरी करने के लिए जो है सेंसर डिवाइस का इस्तेमाल कर देते हैं। वो जो ATM मशीन रहती है उसमें कहीं कहीं जो है सेंसर मशीन लगा देते हैं जिससे आप जब भी अपना ATM कार्ड वहाँ पे स्वैप करते हैं तो वहाँ से आपके ATM कार्ड के सारे डाटा जो है वहाँ पे सेंसर में मौजूद कैमरे में चले जाते हैं जिससे वो वहाँ से आपके डाटा को चुरा कर जो है आपके ATM से पैसे निकाल लेते हैं। भाई दोस्तों आप जान लेते हैं कि कार्ड क्लोनिंग से हमें कैसे बचना चाहिए और किन उपायों को करके हम कार्ड क्लोनिंग से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो उपाय वो ये है कि आप जो है अपने ATM का पिन किसी के साथ भी साझा न करें, चाहे वो अपने फैमिली के लोग क्यों ही न हो, किसी के साथ भी आप लोग अपने ATM कार्ड से संबंधित जानकारी और जो है पिन जो है वो किसी के साथ भी आप लोग शेयर बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी बैंक जो है कभी भी फ़ोन करके जो है आपसे आपके ATM कार्ड से जो ATM कार्ड का जो पिन होता है उसकी जानकारी कभी भी कोई भी जो बैंक है वो नहीं मांगता। तो इस प्रकार के कई सारे फ्रॉड कॉल आते हैं हम सभी लोगों को, आप लोगों को पता भी होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी इस तरीके की कोई कॉल आए तो वहाँ से अगर आपके ATM का पिन पूछा जाता तो आप लोग प्लीज़ बिल्कुल भी इसे शेयर किसी के साथ भी ना करें। समय समय पर अपने ATM का पिन आप लोग बदलते रहें। इसके लिए आप लोग ATM कार्ड में ATM मशीन में जाएंगे तो वहाँ पे आप जैसे ही स्वैप करेंगे पैसा निकालने के लिए आप लोग जाते होंगे तो वहाँ पे स्वैप करते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे कि वहाँ पे ATM जो आपके ATM कार्ड का जो पिन बदलने का ऑप्शन भी वहाँ पे मिल जाता है। तो आप लोग समय समय पर जो अगर आप लोग को लगे कि आपके ATM का पिन जो है वो किसी के साथ शेयर हो गया है तो आप लोग तुरंत ही उसे बदल दें।
और ये इस बात पर ध्यान रखें कि आपके एटीएम में जब भी आप लोग ट्रांजेक्शन करने जाएं तो कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे मौजूद ना हो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ट्रांजेक्शन करते वक्त वहाँ पे एटीएम में आ जाता है तो फिर आप लोग तुरंत ही गार्ड से उसकी शिकायत करके उसको बाहर तुरंत निकलवा दें, उसके बाद ही आप लोग कोई ट्रांजेक्शन करें। दुकान या फिर किसी रेस्टोरेंट में कार्ड का इस्तेमाल करते समय आप लोग अपने सामने ही स्वैप करें। जब भी आप लोग किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी शॉप में जाते हैं तो उसका आप लोग बिल का पेमेंट करने के लिए जब भी स्वैप करते हैं तो आप लोग अपने सामने ही स्वैप करें, ना कि आप लोग रेस्टोरेंट के मालिक या फिर वहाँ पे जो बिल करता है उसको आप लोग अपना कार्ड देते हैं। अपना खुद ही स्वैप करें और जो लास्ट डिजिट आप लोगों को डालनी होती है कार्ड का वो खुद ही डालें। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपना जो है एटीएम को सुरक्षित कर सकते हैं। जब भी आप लोग एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाएं तो आप लोग एक बार जरूर चेक कर लें कि एटीएम मशीन का जो सेंसर है वो ढीला, जहां आप लोग स्वैप करते हैं वो ढीला तो नहीं है। अगर ढीला रहता है तो इसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा गुंजाइश रहती है कि उसके एटीएम मशीन से कोई भी छेड़खानी की गई हो। तो आप लोग सेंसर और जो है वहाँ पे जो जहाँ स्वैप करते हैं उसकी एक बार जांच जरूर कर लें, उसके बाद ही कोई आप लोग ट्रांजेक्शन कर। इसके अलावा आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं एटीएम मशीन का कीपैड सही है कि नहीं, उस पर कोई अतिरिक्त जो है किसी प्रकार का वहाँ पे लेबल तो नहीं चिपकाया गया है जिससे फिंगरप्रिंट के थ्रू भी वो वहाँ पे कुछ इस तरीके से चिपका देते हैं कीपैड पे कि जो है आपके फिंगरप्रिंट से ही वो आपका जो है पिन जो है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो है एटीएम कार्ड क्लोनिंग से बच सकते हैं और जो जो नियम मैंने बताया आप लोग जरूर एटीएम कार्ड से जब भी पैसे निकालने जाएं तो आप लोग उसको जरूर फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों अपने सभी जानने वाले अपने सभी फैमिली वालों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली वीडियोज़ के लिए अपने हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।